हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस आशीष फ्रॉम पिक राइट और लेके आया हूँ आपका मार्केट रिपोर्ट। आज के दिन निफ्टी 17,320 के आसपास क्लोज हुआ है और मार्केट के दौरान निफ्टी पॉजिटिव था थ्रू आउट द डे और एंड ऑफ हाफ एन आवर और वन आवर पे हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमें देखने को मिला कि काफी बार निफ्टी जाके 17,300 के पास सपोर्ट ले रहा था और एक टाइम के लिए 17,300 से थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग किया। हालांकि ये 30 मिनट के एवरेज के वजह से 17,300 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। यह दर्शाता है कि इंडियन मार्केट में अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है क्या, और यूक्रेन का वार को लेकर कंफ्लिक्ट है, नेटो का एक अलग कमेंट आता है, रशिया का एक अलग कमेंट आता है, तो उससे मार्केट कंफ्यूज होता है और मार्केट को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से आज के दिन में सारे के सारे इंडेक्सेस फ्लैट या कमजोरी काम कर रहे थे। अगर हम देखें, सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली पीओसी बैंक में। पीएसयू बैंक में करीब करीब 1-1.5% का फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो कि अपने आप को दिन भर होल्ड कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन बाय एंड ऑफ द डे करीब करीब 200-300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में। आईटी इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुआ था। देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वो करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हुआ था और वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म किया है, जहां पे कि हमें करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट का अपवर्ड ट्रेड देखने को मिला। तो ये दर्शाता है के ब्रॉडर मार्केट में आज के लिए रैली था और सेंटीमेंट्स काफी पॉजिटिव थे। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात किया जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक आईसीआईसीआई बैंक ने और एसबीआई ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया आज निफ्टी को, और निफ्टी को ड्रैग होने में इन दोनों का बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। वहीं पे अगर कौन सा सेक्टर आज एक आउट परफॉर्म किया तो वो सेक्टर था रियलिटी में। आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ, हम पहले भी बोले थे कि रियल एस्टेट हमें अच्छा लग रहा है, तो वहां पे काफी तेजी देखने को मिला और ये दोनों काउंटर में बहुत ही बढ़िया तेजी था आज के दिन में। तो आगे के लिए हमें अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करना चाहिए, आगे के लिए भी हम अपना स्टैंड कॉशस रखते हैं निफ्टी के ऊपर, और आप जब स्टॉक सिलेक्ट करें तो वैसे वाले स्टॉक सिलेक्ट करें जो के पेडिग्री अच्छा हो, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बट किसी रीजन के वजह से अभी बिटन डाउन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लार्ज कंपनीज है और वहां पे एफआईज बहुत ज्यादा होल्डिंग रखते हैं और एफआईज का हैवी सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके वजह से वो स्टॉक्स बीटेड डाउन है। तो उस तरह के स्टॉक्स में अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें आईटी इंडिया में हमेशा नैस्डैक से क्लोज लेके ट्रेड करता है और अभी के लिए भी आईटी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टेड आईटी काउंटर्स में, जो अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं। बट मोस्टली फोकस करें लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी में एकदम केयरफुल रहे, चाहे तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का आपका रुझान रखना चाहिए। So we'll come up with different updates and different stock updates in future. Thank you for watching. Please subscribe to our channel.